दोस्तों, आज ये नवंबर का महीना है और यहाँ स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है और आज काफ़ी हैवी बर्फ़ पड़ रही है सवेरे से। तो अभी करीब दोपहर के 3:30 बजे हैं और मुझे एक जगह है लोजान, जो यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी में है, वहाँ जाना है क्योंकि मेरा एक वहाँ अपॉइंटमेंट है। तो अभी मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और फिर बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और चेंज करके फिर लोजान पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अब मैं वो ट्रेन स्टेशन के पास पहुँच रहा हूँ और ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से करीब 5 मिनट का रास्ता है। तब मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि ये स्नो के कारण जो है थोड़ी फिसलन हो जाती है। और ये देखिए, फिसलते फिसलते बचा, ये देखिए काफ़ी स्नो है आज सवेरे से। और खासकर जो हम जैसे लोग हैं, जो हम तो दिल्ली गुड़गांव में रहे हैं और स्नो देखने के लिए हम कभी कश्मीर कभी हिमाचल जाते थे, पर ऐसा स्नो हमने फॉल ऐसा स्नोफॉल कम ही देखा है और हमारे लिए तो ये काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस है। और अब हम स्टेशन पहुंच रहे हैं और फिर स्टेशन पहुंच के फिर वहां से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारा बर्फ। जब हम यहाँ 2 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में आए थे तो हमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर बर्फ़ कम हो गई है, पर अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, मुझे तो लग रहा है कि बर्फ़ ज़्यादा हो रही है। बल्कि लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है बर्फ़ पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। तो पहले कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ़ कम हो रही है और अब कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ़ ज़्यादा हो रही है। तो पता नहीं क्या असलियत क्या है, पर मेन चीज़ यह है कि आप देखिए बर्फ़ बहुत पड़ रही है। और ये देखिए स्टेशन, सारा बर्फ। और ट्रेन हमारी इस साइड से आई है भी। तो ट्रेन के अंदर तो काफ़ी अच्छा वार्म और कोजी है और बाहर काफ़ी ठंड है, तो ये काफ़ी अच्छी हीटिंग है ट्रेन में और बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी मज़ा आता है। अब देखिए हम पहाड़ से थोड़ा नीचे आ गए तो इसलिए स्नो थोड़ा कम हो रहा है। जो हमारा घर है वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर है तो इसलिए वहाँ काफ़ी हैवी स्नो फॉल हो रहा है। और यहाँ देखिए थोड़ा जो हम ट्रेन से नीचे आ गए तो ये स्नो काफ़ी कम हो गया। देखिए यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हुई नहीं है। तो दोस्तों ये वेवे स्टेशन है, तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ तो पड़ रही है पर बहुत हल्की हल्की, ज़्यादा जो है बारिश ही है, बूंदाबांदी है। तो ये हमारी आ रही है ट्रेन
लोजान वाली। तो अब हम सां लेजियर से आए वेवे, अब वेवे से हम जा रहे हैं लोजान। ये सामने ये लेक जिनीवा, दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं लोजान। हमारा ये सफर खत्म होने वाला है। हमने जो अपनी सफर का शुरुआत किया था वो पहाड़ के ऊपर से, सां लेजियर जगह थी और वहाँ बर्फ था, और पहाड़ से नीचे आए वेवे, वहाँ से लोजान। तो बर्फ़ से बारिश, बारिश से यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में तो कई अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ट्रेन जर्नीज, सीनिक ट्रेन जर्नीज होती हैं, और ये भी एक अपने में एक डिफरेंट ही है, डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है, और होप करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया। थैंक यू। और ये है लोजान।